सब्सक्राइब कीजिए सोनिक ऑक्टेव्स किड्स चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए नए कार्टून वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह कहानी कोई ज्यादा समय पुरानी नहीं है। पहाड़ों के तलहटी एक गार्डेना नाम का गांव था। वहां पर क्रिस्टोफर स्मिथ नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक व्यापारी था और उसका कारोबार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन क्रिस्टोफर अपने कारोबार के कारण नजदीक के एक गांव में गया। उस दिन का पूरा काम खत्म करने के बाद वह अपने गांव गार्डेना में अपने बग्गी में वापस आ रहा था। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। यात्रा के दरमियान जोरों से हिमवर्षा शुरू हुई। क्रिस्टोफर ने सफर रोकना पसंद किया, किंतु सारी रात आसपास रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं दिख रही थी। अकस्मात क्रिस्टोफर को थोड़ी दूर प्रकाश दिखाई दिया। वहां जाकर देखा तो वहां पर लकड़ी का एक छोटा घर था। क्रिस्टोफर ने घर का दरवाजा खटखटाया। क्रिस्टोफर को देखकर वृद्ध महिला बोली, आप कौन हैं? जाड़े की इस अंधेरी रात में आप घर के बाहर क्या कर रहे हैं? मैं क्रिस्टोफर स्मिथ और मैं गार्डेना गांव का रहवासी हूं। पास वाले गांव में काम के लिए गया था। मेरा काम खत्म होने के बाद अपने गांव वापस जा रहा था तो अचानक भारी हिमवर्षा शुरू हो गई। इस हालत में मैं अगली यात्रा खत्म नहीं कर सकता। मुझे रात बिताने के लिए आसपास कहीं जगह भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने दूर से प्रकाश देखा तो यहां आ गया। यदि आपको कोई ऐतराज नहीं है तो मैं क्या अंदर आ सकता हूं? हाँ हाँ हाँ, कृपा करके अंदर आइए। उस वृद्ध महिला ने क्रिस्टोफर को घर में प्रवेश दिया और उसके घोड़े के लिए बाहर तबेले में व्यवस्था की और उसे चारा भी दिया। क्रिस्टोफर ने घर में एक नजर डाली। वहां बहुत सारे छोटे छोटे बिस्तर लगे हुए थे और उस पर छोटे छोटे बच्चे रजाई ओढ़कर शांति से सो रहे थे। जैसे ही वृद्धा ने क्रिस्टोफर की जिज्ञासापूर्ण नजर को देखा तो वो बोली, मेरा नाम लिली है। मेरे पति का निधन होने के बाद मैंने ये अनाथाश्रम शुरू किया और इसलिए आपको यहां इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं। लिली ने क्रिस्टोफर को एक बाउल गरम गरम सूप दिया। क्रिस्टोफर ने लिली के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। विशेष रूप से अंधेरी और बर्फीली रात में यात्रा करने के बाद मिला हुआ गरम सूप उसे बहुत अच्छा लगा। क्रिस्टोफर ने प्रश्न किया, आप इन सारे बच्चों को कैसे संभालती हो? मैं लोगों के कपड़े सिलाती हूँ और उससे मिलने वाले थोड़े पैसों से यह आश्रम चलाने की कोशिश कर रही हूँ। यदि मैंने आश्रम बंद कर दिया तो बेचारे ये छोटे छोटे अनाथ बच्चे कहाँ जाएंगे, इसलिए मैं यह आश्रम जैसे भी हो चला रही हूँ। वाह, ये आपका बहुत बड़ा कार्य है, मैं आपकी सराहना करता हूँ, लेकिन आप बहुत चिंतित लग रही हैं। अब मैं क्या कहूँ, हफ्ते भर में क्रिसमस का त्यौहार आ रहा है। बच्चों ने पहले से ही अपनी भेंट वस्तु की अपेक्षाएं खतों में लिखकर सेंटा के लिए रख दी हैं, लेकिन ये भेंट वस्तुओं को मैं किस तरह इस बच्चों को दे सकूंगी ये चिंता है। जाने दीजिए, मैं भी मेरी चिंताओं को आपके सर क्यों थोपूं और आपको क्यों चिंतित करूं। ये कंबल लीजिए और इस कुर्सी पर ही सारी रात बिताइए। मेरे पास आपके कद जितना बड़ा बिस्तर नहीं है। क्षमा करिए, पर आशा करती हूँ कि आपको बुरा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, ये तो आपका बढ़तपन है कि आपने मेरे जैसे पूर्णतः अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास रखकर अपने घर में उसे पनाह दी। इसके बाद दोनों क्रिस्टोफर और श्रीमती लिली सोने चले गए। सुबह जल्दी ही किसी को बिना बताए क्रिस्टोफर वहां से अपने गांव गार्डेना को चला गया।
वह क्रिसमस की संध्या थी। सब बच्चे अनाथ आश्रम के एक कोने में क्रिसमस का पेड़ सजाने में लगे थे। श्रीमती लिली अभी भी इस विचार से चिंतित थी कि अब वह इन बच्चों को क्रिसमस की भेंट वस्तु कैसे दे पाएगी। इतना ही नहीं तो बच्चों ने सैंटा को लिखे हुए सारे के सारे खत वह उन्हें कैसे लौटा पाएगी। अचानक श्रीमती लिली ने देखा एक बग्घी अनाथ आश्रम में प्रवेश कर रही थी। श्रीमती लिली ने खिड़की से झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि वह बग्घी वाला बग्घी में से एक बड़ी टोकरी बाहर निकाल रहा था। श्रीमती लिली घर के दरवाजे के बाहर आ गई। बग्घी वाले ने वह बड़ी टोकरी एक लिफाफे के साथ श्रीमती लिली के हाथ में दे दी। उस लिफाफे में बहुत सारे खत थे। उसमें एक श्रीमती लिली के नाम का खत भी था। श्रीमती लिली ने वह खत खोला और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। सम्माननीय श्रीमती लिली, मैं आपके उदात्त कार्य का सम्मान और आदर करता हूं। आप अनाथ बच्चों के लिए जो कार्य कर रही हैं, वह आपके सहृदयता का प्रतीक है। वहां से निकलते समय बच्चों ने सांटा के नाम लिखे हुए सारे खत मैंने ले लिए। इसके लिए आप बहुत चिंतित होगी, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। बच्चों ने सांटा से जिन जिन भेंट वस्तुओं की इच्छा व्यक्त की थी वे सारी मैं भेज रहा हूं। उसमें एक भेंट आपके लिए भी है। आज से आपको अनाथाश्रम चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी जरूरत अधूरी नहीं रहेगी। आशा है कि आपको यह भेंट वस्तु पसंद आई हो। और हां, एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उस रात आपने दिया हुआ वह गर्म सूप बहुत ही स्वादिष्ट था। आपका सीक्रेट सैंटा। श्रीमती लिली को यह अब समझ आ गया था कि यह सीक्रेट सैंटा कौन है। वह बाहर आई और हर एक बच्चे को उनकी भेंट वस्तु देने के दरमियान उनके कानों में सैंटा की आवाज आ रही थी। मेरी क्रिसमस, सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस।